Hello everyone. So welcome back to another video on Erie Tech Academy. And today we are going to talk about UPSC Civil Services interview which are scheduled from the month of January, 2nd January itself. Yes. So the first schedule is out and only 1026 students have been called for interview in the first schedule.

फर्स्ट इज देर आर सर्टन थिंग्स विच विल बी मैं सबसे पहले तो कितने लोगों को कॉल uh, दिया गया है यह मैं वन जीरो टू सिक्स रोल नंबर फेज वन एंड स्टिलिंग स्टूडेंट्स आर रिमेनिंग उनके उनके जो रोल नंबर है वो सेकंड शेड्यूल जो फेज टू का रिलीज होगा उसमें होगा इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड जनवरी टिल सिक्सटींथ फेबर एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज मैं इफ यू हैव नॉट फिल्ड डेफ टू by whatsoever reason hai na because of whatsoever reason your candidature will seem to be cancelled will be cancelled koi entertainment nahi hoga wahan theek hai travel reimbursement aapko diya jayega aur kis level ka diya jayega second class sleeper class ka fare aapko diya jayega चाहे आप जैसे भी जाएं आपको इसका एक travel allowance का जो है uh, form आता है वो भरिए और उसको आपको इसी level तक का दिया जाएगा नाउ जो ये डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है उसमें रोल नंबर दिए गए हैं एंड टोटल सीरियल नंबर है एंड दे हैव टोल्ड आपको कब रिपोर्ट करना है सो देर टू रिपोर्टिंग टाइम्स वन इज एट हंड्रेड आवर्स एंड एट आवर्स मतलब सुबह नौ बजे एंड दोपहर के एक बजे आपको रिपोर्ट करना है उसके बाद वहां पे सारी चीजें शुरू होती हैं कि अलग अलग जिसका जो स्लॉट रहेगा किस बोर्ड के सामने जाना है वो एक अलग प्रोसेस है सो दिस इज अबाउट द बेसिक डिटेल्स इन दी पी डी एफ विच हैससी येस्टरडे इवनिंग ना वट शैल बी आवर नेक्स्ट स्टेप अब नेक्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए सो नेक्स्ट स्टेप बड़ा साधारण सा है बहुत सिंपल है बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं अप्लाई करना यू शुड नॉट वरी अबाउट रनिंग हेयर एंड डेयर यू डोंट हैव टू लाइक रन फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट टू अदर है ना बहुत ज्यादा ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन में आपको नहीं खोना है वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू प्रिपेयर क्वेश्चन को दे देंगे आई विश शो यू आई विल टेल यू हाउ यू कैन गेट एक्सेस टू दो मतलब वो जो एक्सेस है ये कोर्स का वो आप कैसे मिल सकता है और क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी रेडीमेड मिल जाएंगे बट यू हैव टू प्रिपेयर द

या आंसर्स प्रिपेयर किए जाने चाहिए थर्ड इज यू शुड डू डेली प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग अपने जो आंसर्स हैं उनको रिकॉर्ड करो शो इट टू योर मेंटर शो इट टू योर टीचर्स शो इट टू योर फ्रेंड सीनियर्स एंड गेट फीडबैक ऑन दैट ठीक है सो दिस इज वॉट थ्री थिंग्स यू हैव टू डू वेरी सिंपल ये आपकी प्रैक्टिस भी होगी आप ब्रेन स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हो डेली बेसिस पे एंड डेली बेसिस पे अपनी प्रोफाइल को भी रेडी कर रहे हो सो टू सिंप्लीफाई दिस

डिटेल क्वेश्चन है एनालिटिकल क्वेश्चन है फैक्चुअल क्वेश्चन है यू हैव टू फ्रेम आंसर्स एंड यू हैव टू शो इट टू एस जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं अपने फीडबैक हाउ एंड जो ये आंसर बनाना चाहिए जो आंसर आपको फ्रेम करना चाहिए वो कोई थियोरेटिकल या बहुत ही इलेबरेट uh, आंसर्स नहीं होना चाहिए यू शुड राइट द एज इफ यू आर गोइ स्पीक जितना आप बोलने के लिए संभव होगा जो वर्ड विच यू कैन विच यू विल यूज वाइल स्पीकिंग दोन टू कीपर यूर आंसर ठीक है आट टिलोफाइलिंग डे टू प्लेस ऑफ बर्थ डैप प्रोफाइलिंग डे थ्री एंड फोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ है ना तो इस तरीके से वीक वन वीक टू

drop a personal message to me on my telegram id telehiman it is t-e-l-e-h-i-m-a-n -E you can show me your answers i will refine them i will give you the feedback i will ask the follow-up questions or you can also book an appointment with us on our office by calling us on our official number 52 in the end आप कॉल कीजिए एक अपॉइंटमेंट बुक कीजिए वन ऑन वन मॉक आप जब भी चाहते हैं प्रिपेयर सेक्शन वाइज यू कैन गिव मॉक सेक्शन वाइज ठीक है ना बट बिफोर दैट प्रिपेयर करो दिस शुड बी योर डेफ बेस्ड तो हमने क्या क्या देख लिया इसमें से डैफ बेस्ड कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर करने ये देख लिया डेली प्रैक्टिस आप वॉइस नोट लो

issues are there you have to prepare what three levels i have told you have to prepare at the level of fact you have to prepare at the level of opinion and you have to put yourself into any particular situation and you have to give answers you have to think as though you are going to handle then what will you do that is called situation reaction test okay so srt so this way prepare it at three level

जी ट्वेंटी हुआ है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया इंडिया की लीडरशिप में हुआ है सो वी शुड नो देश फैक्ट्स ऑफ इट वेयर इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड और हेल्ड नेक्स्ट सो दैट वी शुड नो एंड इट्स सक्सेस जो इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया उसका क्या सक्सेस रहा उसका क्या आउटकम रहा एंड वाई इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया सो जो इंडिया के लिए उसकी इंपॉर्टेंस है वो प्रिपेयर करना है सो so, इसमें ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं होगा बट एटलीस्ट इस लेवल पे फैक्ट्स ओपिनियन आप क्या सोचते हैं इट वॉज इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सो ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सेकेंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट विच वी आर विटनेसिंग इन आवर इंडियन पॉलिटी इज वुमेन रिजर्वेशन बिल बहुत कुछ पार्लियामेंट में ड्रामा चल रहा है आई एम नॉट श्योर दट दे आज दिस क्वेश्चन कि जो अभी पार्लियामेंट में इशूज हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे लेकिन हाँ ओपिनियन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेवलपमेंट जो हुआ है वो जरूर पूछा जाएगा दट इज वुमेन रिजर्वेशन दे विल आज योर ओपिनियन एंड दे कैन पुट टू अचुएशन एज वेल दैट स्पेशली गर्ल्स दे कैन पुट टू सिचुएशन इफ यू वुड है एम पी और लेट्स ए अगर आपको इस वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में ग्राउंड ग्रास ग्रासरूट लेवल पे अगर आपको अवेयरनेस क्रिएट करवानी है व्हाट विल यू डू तो इस तरीके के सिचुएशन वाले क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन यू टेल व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट और हाउ इट विल बी हेल्पफुल सो उस तरीके के क्वेश्चन में इट विल बी वेरी हेल्पफुल

एंड इंडिया ने भी बहुत कुछ किया है तो इंडिया की पोजिशनिंग क्या है सीओ पी ट्वेंटी एट से रिलेटेड अपडेट क्या है एंडिमिनेट करना है ओपिनियन क्या है इज इंडिया रेडी वॉट ऑल वी कैन डू टो वॉट यू विल डू तो इस तरीके के सारे अगेन फैक्ट्स ओपिनियन ये तो दिमाग में बैठा लो फैक्ट्स ओपिनियन सिचुएशन इस तीन लेवल पे आपको काम करना ही करना है ठीक है सो दीज आर इंपॉर्टेंट फाइव टॉपिक्स अदर टॉपिक्स ऑल्सो

जॉबलेसनेस हो जाएगा सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं है वहाँ पे ऑटोमेशन के थ्रू रोड भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है तो वहाँ पे सुटेबल है एंप्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है तो वहां पर सुटेबल है बट हेयर इट इज नॉट सुटेबल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो से रिलेटेड और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन ने एक लॉ लेके आए सो टू कंट्रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट चल रहा है सो सुदे ब्रॉड वर्ल्ड फर्स्ट लॉ ऑन दैट एंड इंडिया ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीएआई ये भी डेवलपमेंट हुआ है अभी अभी दिसंबर में ही ट्वेल्थ थर्टींथ Uh, के राउंड डेवलपमेंट हुआ दैट वी शुड नो एंड एनालिटिकल ओपिनियन व्हाट इज योर ओपिनियन वेर इट इज सुटेबल व्हाट विल विपन विद इंडियन मार्केट ओके इफ इट हैज बी ब्रॉट इन एडमिनिस्ट्रेशन सो ऑलरेडी इंडियन रेलवे एंड इंडियन कस्टम्स डिपार्टमेंट में आई ए का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए गए हैं पायलट प्रोजेक्ट पे लेवल पे सो दे आस्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड आई वाज़ गोइंग थ्रू द डैफ मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स इट एज अबी एंड इन पास्ट समयरेडी इन सर्विस उनकी ये हॉबी हुआ करती थी एक प्रोजेक्ट हुआ करता था हॉबी ऑफ फॉलोइंग दी डेवलपमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ए आई या आप लोगों ने इसको अपने ग्रेजुएशन के लेवल पे स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंडों ने कोई प्रोजेक्ट किया है कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है है ना कुछ लोगों का बीटेक भी, भी इस फील्ड की तरफ है मास्टर्स है सो दिस इज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है नेक्स्ट इश्यू इज एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अगेन यू शुड नो फैक्ट्स सिचुएशन आफ्टर एब्रोगेशन इन कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंट ओपिनियन एंड योर ओपिनियन ऑन दैट ओके Coming to uh, the next topic is ongoing wars. Ongoing war, Israel hamas Israel-Palestine issue. Again, they might ask the facts, your opinion, India's standing, India's position, General Assembly, mein jo ho and Russia-Ukraine, impact, semiconductor, and uh, food security. Uh, they can also, they can also link it with the failure of institutions like United Nations, multilateralism versus. Uh, जो ये बाइलेटरलिज्म है लेकिन आज सुपर पावर के बारे में पूछा पुछ, जा सकता है इंडिया को कैसे रिएक्ट करना चाहिए इंडिया कैसे बैलेंस कर रहा है सो यू शुड हैव ऑल स्टैंडिंग योर ओन ओपिनियन एंड योर ओन स्टैंडिंग ऑन सच इश्यूज ठीक है आई होप यू आर गेटिंग लाइक इन वॉट डायरेक्शन यू हैव टू प्रिपेयर एंड ट्रस्ट में जब प्रिपेयर करने लोग काफी है ये बहुत ज्यादा है एंड द लास्ट टू टॉपिक्स विच आई वुड वॉन्ट ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू फेस द इंटरव्यू जो प्रोमिनेंट था कि गवर्नर का इंडियन पॉलिटी में बहुत बड़ा इशू चल रहा है सो देर आर लॉट ऑफ इशूज ओवर वेरियस इन वेरियस स्टेट्स योर ओपिनियन गवर्नर को लेके uh, गवर्नर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड देन जो हो रहा है कैसा हो रहा है क्या हो रहा है उसको लेके एंड देन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशनिंग ठीक है तो बैलेंस रखना है अपने आंसर को गवर्नमेंट के फेवर में कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में बी थर विद दैट यू यू कैनॉट बी बायास्ड ठीक है एंड सिक्योरिटी रिलेटेड एक मणिपुर का वायलेंस का जो इशू चल रहा है फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए देन योर ओपिनियन ऑन एथनिक क्लाशेज हाउ यू कैन हैंडल इट सिचुएशन एज एन आई पी एस ऑफिसर एज एन आई ए एस ऑफिसर में आप लोगों का जो सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी सोशियलॉजी उससे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है सोशलॉजिकल परस्पेक्टिव एंथ्रोपोलॉजिकल परसपेक्टिव टू हैंडल सच क्लाशेज गवर्नांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सो यू शुड बी रेडी विद दैट

करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन ये टॉपिक्स प्रिपेयर करो अगेन इन फ्यूचर वी विल कम अपर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर द स्टूडेंट्स इंटरव्यू इन फेब्रवरी और लेटर इन देड्यूल इन द फेज टू तो मैं और भी टॉपिक लिस्ट आपको दूंगा यू हैव माई टेलीग्राम आई डी यू हैव दोन नंबर यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर वन ऑन वन मार्क् पैनल मार्क्स

लाइक यूज वर्ड्स विच विल बी पावरफुल आपको वो लाना है अपने आंसर्स में ऑब्जर्वेशंस लाने हैं डोंट राइट और डोंट टेल जनरल आंसर्स मेन स्टाइप आंसर्स नहीं देने हैं यू हैव टू ब्रिंग इन योर ऑब्जर्वेशन इन टू पिक्चर यू हैव टू सब्सटैंशिएट यब्जर्वेशन सो इन अ वे इट इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट तो आपको अपने आंसर्स भी पर्सनैलिटी ड्रिवेन होनी चाहिए वेअर यू आर रिफ्लेक्टिंग योर क्वालिटीज योर ट्रेट्स ऑफ द पर्सनैलिटीज In detail if you need any help with respect to interview we are always there see you all take care bye bye